थाने में बीता बचपन, वहीं पे सीखा काका गाघा। माफियाओं के लिए भय का दूसरा नाम है अमिताभ यश। कौन है अमिताभ यश, जिसका नाम सुनकर अपराधी, माफिया और गैंगस्टरों की रूह कांप जाती है। माफिया डॉन अतीक अहमद का काला साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया जा चुका है। इसके साथ ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसे भी अपने गुनाहों की सजा अब जाकर मिल रही है। हाल ही में यूपी के एक और गैंगस्टर अनिल दुजाना को भी यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आज यूपी के बड़े से बड़े माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन सभी के पीछे एक नाम अक्सर सामने आता है, वो नाम है यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का। माना जाता है कि अमिताभ यश के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टरों का काल बनी है। आज के हालात ये हैं कि जिन अपराधियों को कभी पुलिस का भय नहीं रहता था, आज वो लोग पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए जेल को ही सबसे सुरक्षित मान रहे हैं। इसी बीच आज हम आपको यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यश के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अमिताभ यश एक पुलिसकर्मी के बेटे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके पिता भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वे डीआईजी बनकर रिटायर हुए थे। यहाँ तक कि उनके ससुर भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं। पढ़ना लिखना थाने की टेबल पर ही सीखा था। उन्होंने कहा था कि थाने के लोग ने ही मुझे काका गागा लिखना सिखाया था। मुझे थाने के बैरक में खाना खाने को मिलता था। मेरे बचपन से ही पुलिस से जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा था कि पिता ने मुझे पुलिस से दूर रखने की काफ़ी जद्दोजहद की, क्योंकि वो पुलिस के काम के बारे में जानते थे, मगर मैं फिर भी पुलिस की सर्विस में आया। तब जाकर उन्होंने मुझे पुलिस की विधाएं सिखाई। यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यश साल 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अमिताभ यश को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अमिताभ यश को मायावती ने साल 2007 में एसएसपी एसटीएफ बनाया था। इस दौरान अमिताभ यश ने ददुआ के खिलाफ बुंदेलखंड में जंगलों में अभियान छेड़ा था, जिसका नतीजा था कि यूपीएसटीएफ ने ददुआ जैसे दुर्दांत डकैत को भी मार गिराया था। अमिताभ यश ने ऑपरेशन ठोकिया शुरू किया और ठोकिया को भी मार गिराया। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट और अमिताभ यश का एनकाउंटर आपको कैसा लगता है, इस रिपोर्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।